इधर गुजरात दंगों पर सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह की आने वाली किताब पर विवाद खड़ा हो गया है। 2002 में दंगा रोकने का जिम्मा शाह को दिया गया था। शाह की किताब में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की भूमिका को कटघरे में खड़ा करते हुए ये दावा किया गया है कि सेना को दंगाइयों से निपटने का मौका काफी देर से दिया गया। दावा यह भी किया गया कि सेना की टुकड़ियां एयरपोर्ट पर इंतजार करती रहीं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उन्हें पूरे एक दिन तक दंगाग्रस्त इलाकों में जाने के लिए वाहन मुहैया नहीं करवाए और हिंसा का तांडव चलता रहा। हालांकि सूत्रों और तत्कालीन डीजीपी की रिपोर्ट का यह कहना है कि जमीरुद्दीन शाह के दावों में कई सुराख हैं। अमीश देवगन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमीश, क्या और खास चीजें या ऐसी चीजें हैं इस पर जिन पर विवाद खड़ा हो रहा है? जी, मुझे लगता है कि गुजरात के जो 2002 के राइट्स थे उनमें एक बड़ा ट्विस्ट लाने की एक कोशिश है। जो जमीरुद्दीन शाह की एक किताब है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं, जब वो गुजरात के सीएम होते थे, उनको टारगेट करने की कोशिश है। और इस किताब में लिखा गया है कि खड़ी रही है एयरपोर्ट पर, जब प्रधानमंत्री का विजन के आगे बीजेपी द्वारा दिया गया एफिडेविट है वो क्लियरली इंडिकेट करता है। मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब भी कोई इस तरह से किताब आती है तो उसके साथ साथ एक विवाद पहले ही आ जाता है। मुझे लगता है पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा 2019 का चुनाव है, नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों पे एक बार फिर कॉर्नर करने की कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश है, ये दिखाई देता है फिलहाल। लेकिन दूसरी बात, क्योंकि जो फैक्ट है वो अलग है, जो नानावती कमीशन में एफिडेविट बीजेपी द्वारा दिया गया उसमें कई तथ्य लिखे हैं, मुझे लगता है वो तथ्य इस किताब से बिल्कुल अलग है। और इस और मेरे पास जो जानकारी है, जब जमीरुद्दीन शाह की प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करी थी। अब ये जो ट्विस्ट है ये कहीं ना कहीं बताता है कि इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल साजिश है, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे खड़ी है, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है ये स्टोरी अब यहाँ से और डेवलप होगी और आज निश्चित रूप से अब इस पर जबरदस्त जो है पॉलिटिकल रिएक्शंस वो इस पर आएंगे। ये विवाद 2002 के गुजरात दंगों पर अब एक नया यहाँ पर, क्या इसका मकसद यहाँ हो सकता है? क्या 2019 का चुनाव, क्या प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, या इसे एक महज पब्लिसिटी स्टंट यहाँ पर माना जाए? अमीश, अगर हम बीजेपी रिपोर्ट की बात करें तो वो खुद यहाँ पर ये रिपोर्ट कहती है कि जमीरुद्दीन शाह के दावों में कई सुराख भी हैं। जी, वही मैं कह रहा हूँ, जो एफिडेविट है उसके अंदर बहुत क्लियरली कई चीजें लिखी हुई है कि ट्रूप्स आ गई थी, उसको गाड़ियां ट्रक मोटर करा दिए गए थे। उसके बाद ये चीज देखना, मुझे लगता है कि क्योंकि जमीरुद्दीन शाह सूप कमांडर इन चीफ थे तो निश्चित तौर पर ये विरोधाभास है, और बड़ा विरोधाभास है। ये तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है, यानी निश्चित तौर पर इसमें गुजरात दंगों के बहाने और नानावती कमीशन की रिपोर्ट से ठीक उलट है। ये नानावती कमीशन को जो एफिडेविट दिया गया था उससे तो बिल्कुल ही उलट है। चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, हम दोबारा से अमीश से संपर्क करेंगे। लेकिन जो तमाम चीजें सामने आ रही है वो आपको बता दें कि शाह की किताब में जो दावा किया गया है वो ये कि 1 मार्च 2002 को सेना के 3000 जवान अहमदाबाद एयरफील्ड पहुंच गए थे, लेकिन गुजरात प्रशासन की ओर से सेना को दंगाग्रस्त इलाकों तक जाने के लिए वाहन मुहैया करवाने में देरी की गई। 1 मार्च को दिन भर फौजी एयरफील्ड पर ही बैठे रहे, अगले दिन यानी 2 मार्च 2002 को ही वाहन दिए गए और तब सेना की टुकड़ियां दंगाग्रस्त इलाकों की ओर रवाना हो सकी। वहीं सूत्रों का यह कहना है कि तत्कालीन डीजीपी की ओर से दंगों की जांच करने वाले जस्टिस नानावती कमीशन को दी गई रिपोर्ट इस दावे को गलत साबित करती है। उसमें साफ लिखा है कि सेना को 1 मार्च को ही वाहन दे दिए गए थे। रिपोर्ट ये कहती है कि सेना की तैनाती के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद जरूर होती है। अहमदाबाद जिला अधिकारी ने 1 मार्च 2002 तड़के 2:30 बजे सेना को 6 बसें, 9 ट्रक और 15 जीप मुहैया करवा दी थी। तड़के 3 बजे सेना को वाहनों में लगाने के लिए 26 लाल झंडे भी दे दिए गए थे। 1 मार्च 2002 को ही दिन में सेना को 39 वाहन दे दिए गए थे। सेना को जाने के लिए कुल 131 वाहन अहमदाबाद जिला प्रशासन की ओर से दिए गए थे। अमीश लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। अमीश, बहुत बड़ी बातें और गंभीर आरोप है यहाँ पर जो लगाए जा रहे हैं। जी, जैसा मैं एफिडेविट की बात कर रहा था, उस एफिडेविट में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, द डिप्लॉयमेंट ऑफ द
आर्मी ऑल्सो रिक्वायर्ड एडिशनल लॉजिस्टिक सपोर्ट बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व्हीकल्स लाइजन ऑफिसर गाइड एंड मैप द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलाहाबाद प्रोवाइडेड 6 buses 6 buses 9 trucks 15 jeeps फॉर द यूज बाय द आर्मी बाय 2:30 AM ऑन द 1st of March by 300 hours 26 red flags were also provided for the army yani jo khud Kashmir shah ne likha hai ye affidavit uske ek vipreet hai yani ye kahin na kahin kya koi political saazish hai prime minister narendra modi ko 2019 se pehle target karne ke liye to kya aapko dhyan rahe gujarat to iska kya asar padega amish ko lagatar target kiya gaya hai lagatar nirantar target kiya gaya hai चलिए शुक्रिया आमिश इससे तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर हरियाणा के करनाल में सरकार और जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद किसान पराली यानी धान की फसल कटाई के बाद बचे जो अवशेष हैं वो जला रहे हैं। पिछले दिनों कृषि विभाग की शिकायत के बाद पराली जलाने वाले किसानों पर केस भी दर्ज किए गए थे। बावजूद इसके किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं। किसान पराली जलाने को अपनी मजबूरी बता रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रहा है। मन जी वह जी मजबूरी है थोड़ी सी जी मगर भाई इसना कहाँ गिरेंगे किसी ने नहीं उठाया जी कहीं जने तक कहा बोलिया भाई हम कहाँ गिरेंगे इन्हें। करनाल जिला में कस्टम हायरिंग सेंटर के थ्रू हम सभी किसानों को जो फसल अवशेष है पराली है उसे ना जलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसमें हमने काफ़ी व्यापक प्रचार भी किया और काफ़ी सफलता भी मिली है, परंतु कुछ किसान भाई अभी भी हमारे जो है उनको ज्ञान ना होने के कारण या फिर किसी और कारण से जो फसल पराली जला रहे हैं उसमें हमने सख्त से सख्त कार्रवाई भी की है।